नमस्कार। आइए इस हिसाब पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे सामने एक हाथ और यहाँ इनके बारे में बात चर्चा कर लें। तो ये देखिए, ये इनकी कनिष्ठ उंगली। सबसे पहले इनकी कनिष्ठ उंगली, और कनिष्ठ उंगली यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो एकदम नीचे की तरफ जा करके कि गड्ढे से में बैठ गई है। इतना ढलाव जाने के बाद जब व्यक्ति की कनिष्ठ उंगली के अंदर ऊपर इतना डिफरेंस और नीचे इतनी गहराई, और साथ ही साथ अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो चौथा पर्व भी यहाँ पर बनता हुआ। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो व्यक्ति अपने डिसीजन मजबूत नहीं ले पाता। उसकी पावर शक्ति जो माइंड की होती है वो बहुत भ्रमित होती है। बात बात पर व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है और पूरी तरीके से वो सोच ही नहीं पाता कि मुझको सही तरीके से क्या निर्णय लेना चाहिए, जिस कारण उसको बहुत ज़्यादा विलंबतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ इस तरीके की ये रेखाएँ जो अपने आप में बुद्धि का टावर ठीक नहीं बताती है। आइए बात कर लेते हैं सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व और सूर्य पर्व की पूरी उंगली ऊपर तक उठी हुई है। जब इस तरह की उंगली पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई हो, साथ ही साथ नीचे का एक झंझावत अगर मैं देखूँ तो जा करके एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं यहाँ सूर्य पर्वत पर एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं यहाँ बहुत अच्छी इंडिकेशंस नहीं दिखाते। यानी कि राज्य सरकार से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लोन मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बहुत सावधानी करें कि किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में इस तरह का हाथ ना डालें कि जिससे आपको दंड का सामना भी करना पड़ जाए। यानी कि राज्य सरकार से आपको दंड भी मिल सकता है। बहुत सावधानी से आपको राज्य सरकार के कामों को ध्यान से पूर्वक करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आपके शनि पर्व की। यहाँ शनि पर्व और शनि पर्व को अगर मैं देखूँ तो बृहस्पति पर्व से भी काफ़ी रेखाएं आ रही हैं, और साथ ही साथ शनि पर्व पर यहाँ एक तरीके से जो रेखाएं यहाँ खड़ी हुई हैं वो भी अगर मैं देखूँ तो शनि पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं इस बात को दर्शा रही हैं कि आपको धन के आगमन तो किसी न किसी रूप से ज्ञान से भी मिले रहेंगे और वैसे भी मिले रहेंगे। तो मैं यहाँ पर्व आपका बोल गया साथ के साथ आपकी सूर्य उंगली के साथ साथ, तो मैं शनि की उंगली को भी बोल देता हूँ। तो शनि की उंगली का पर्व मैंने बोला, अब शनि की उंगली को भी देख लेता हूँ। ये शनि की उंगली और ऊपर जा कर के ये चार कर्व के अंदर बट गई है। जब इस तरह का व्यक्ति के पास चौथा ये कर्व बन जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में धन का बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करता है और बहुत मोटे एक धन का नुकसान भी व्यक्ति को सहना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं मिला है। आइए बात कर लेता हूँ आपके बृहस्पति पर रेखा की। ये बृहस्पति की उंगली और इसका झुकाव शनि पर्व की तरफ। व्यक्ति बहुत प्रयास करता है धन के लिए, लेकिन यहाँ भी अगर बृहस्पति पूर्व पर देखूँ तो यहाँ भी इस तरीके की जो रेखाएँ हैं ये जीवन में बहुत संघर्ष कराएंगी। आपको जीवन में अपना मकान बनाने के लिए, अच्छे सुख सुविधा के लिए ये आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, ये दिखलाती हुई रेखा। लेकिन भगवान के प्रति आस्था इस व्यक्ति की होती है। शनि की उंगली पूरी तरह से सीधी खड़ी थी तो शनि के ढैया और साढ़े साथी का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। आइए बृहस्पति पर्व भी आपका देख लो। ये बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं, नीचे भी ट्रायंगल बनता हुआ, यहाँ भी ये रेखाएं एक तरह का चतुर्भुज बनाती हुई हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में कम से कम दो भवनों का मालिक अवश्य होता है। तो यहाँ आपको जीवन में मकान बन जाएंगे, आपको सुख सुविधा वाहन भी मिलते रहेंगे, ये सब भी आपके हाथ का बृहस्पति अच्छी तरीके से आपको बता रहा है। चलिए बात कर लेते हैं इनकी एक और रेखा की। यहाँ एक रेखा की बात करूँ, इसको बोलते हैं यहाँ पर हृदय रेखा। हृदय रेखा और हृदय रेखा से उठी हुई रेखाएं और बीच में सारी जा करके और हृदय रेखा को एक रेखा ने मंगल क्षेत्र से निकल करके भी यहाँ काटा। जीवन के अंदर पत्नी से संबंधित समस्याओं का, विवादों का, पत्नी के साथ अच्छे ना त्याल तालमेल का यहाँ पर ये हाथ है। तो यानी कि पत्नी के साथ बहुत अच्छे तालमेल आपको जीवन में नहीं रहने वाले हैं। वाद विवाद की स्थिति पत्नी के साथ बनी रहेगी और कई बार ये स्थिति में इतनी तक पहुँच जाती है
एक दूसरे से तलाक तक की नौबत का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशंस आपकी इस रेखा के अंदर भी यहाँ पर नहीं मिला। तो ये अपने आप में, अब आपके बुध पर्व की बात और कर लेता हूँ। ये देखिए आपका बुध पर्व था और बुध पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा है और यहाँ एक तरह का ये दूषित ब्लैक स्पॉट बन गया है। जब जब ऐसा ब्लॉक स्पॉट होता है तो संतान से सुख में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ बुद्धि भी कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। यानी कि ऊपर भी मैंने देखा टावर भी भ्रमित और यहाँ बुद्धि भी भ्रमित। यानी बुद्धि के अंदर कोई ऐसा स्पॉट हो जाता है कि आदमी को बहुत ज़्यादा सही निर्णय नहीं लेने के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए आपके मंगल पर्व की बात कर लें। ये मंगल पर्व और मंगल पर्व पर इस तरह की रेखाएं और नीचे की तरफ भी यहाँ पे त्रिभुज बन गया है। एक मंगल रेखा के नीचे भी त्रिभुज बना है और ये अच्छा इंडिकेशंस नहीं है जो जीवन में आपको झगड़ों झंझटों मुकदमों का सामना कराएगा। लेकिन द्वितीय पर्व अच्छा होने के कारण और मंगल पर्व नीचे अच्छा होने के कारण आप देर सवेर उनमें विजयी हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी समस्याएं यहाँ पर आपको रहेंगी। आइए आपकी बुद्धि रेखा की बात कर लेते हैं। ये बुद्धि रेखा शुरू में काफ़ी झंझावट से चलती हुई, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग जाकर के आप 38 से 39 वर्ष तक बहुत ज़्यादा पीड़ित रहेंगे किसी ना किसी भ्रम के कारण या बुद्धि में मलिनता के कारण या सही निर्णय ना लेने के कारण। तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर बुद्धि रेखा में। लेकिन उसके बाद 38 साल के बाद में, 38 से 39 साल के बाद में आप में कुछ सुधार हो जाएगा आपकी इस चीज़ में और आप सही तरीके से निर्णय। आखिर में जाकर के मस्तिष्क रेखा ने यहाँ पर एक तरह से यहाँ काट दिया है। जब ये इस तरह की रेखा यहाँ पर काटती है तो ये अपने आप में बहुत दूषित चिन्ह हो जाता है। यानी कि मानसिक डिप्रेशन तक ये व्यक्ति को पहुँचा सकता है। ये यहाँ पर एक तरह का दूषित चिन्ह आपके हाथ के अंदर मिला है। तो आप ज़रूर क्या क्या करेंगे बाद में बताने वाला हूँ, जिससे आप इस चीज़ सब चीज़ों से निकल सकेंगे। चलिए बात हो गई आपकी इसकी। अब आपका एक सवाल लेकर के बाकी की रेखाओं को मैं पढ़ने वाला हूँ। आपने सवाल किया है कि 7-8 दिसंबर को मेरी बहुत बड़ी डील है, करूँ या ना करूँ। देखिए मैं इसके लिए आपको बड़े धैर्य से सुनिए, मैं आपको दो चिन्ह बता रहा हूँ। यदि आपके ये दो चिन्ह आपकी उंगलियों पर हैं तो आप डील करें, और यदि नहीं तो फिर ना करें, नहीं तो आपको उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ डील से डील मिलेगी या डील से फ़ायदा होगा, इसका चुप चिन्ह यदि आपकी उंगलियों पर मिल जाए ये वाला तो बता देता हूँ। देखिए आपके हाथ के जो नाखून हैं, हाथ के नाखून, अंगूठे के नाखून पे अगर देखते हैं सबसे नीचे तो एक छोटा सा चंद्रमा वाइट रंग का नज़र आता है। यदि आपकी दसों की दसों उंगलियों के नीचे, यदि आपकी दसों की दसों उंगलियों के नीचे वाइट चिन्ह यानी छोटा सा चंद्रमा नज़र आ रहा है दसों की उंगलियों के नीचे, तो निश्चित रूप से आप ये डील कर लीजिए। इस डील से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये डील, ये चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं साथ वाइट के, तो आप देखिए अपनी तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बराबर वाली उंगली को देखिए और उस पर देखिए क्या आपको कोई यहाँ पर वाइट दाग, नाखून पर कोई सफ़ेद दाग नज़र आ रहा है, तो आप डील कीजिए। राइट हैंड में ये दाग वाइट रंग का चमकना चाहिए। साथ ही साथ यदि इस पर नहीं है तो मध्यमा उंगली पर देखिए। यदि आपकी शनि से संबंधित यानी लोहे से संबंधित या किसी मील से संबंधित या किसी कॉन्ट्रैक्ट को आप ठेकेदारी को लेने जा रहे हैं, तो सफ़ेद वाली बीच वाली जो उंगली है इसमें आप देखिए क्या कोई सफ़ेद स्पॉट है उंगली में, मतलब नाखून में, नाखून के अंदर स्पॉट है वाइट रंग का, तो आप निश्चित रूप से इसको ले लीजिए। तीसरी पहचान। चौथा, यदि आप राज्य सरकार से संबंधित कोई आप बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या सूर्य वाली उंगली पर यानी कि आपकी अनामिका उंगली के नाखून पर कोई सफ़ेद दाग है। यदि सफ़ेद दाग है तो आप ये डील ले लीजिए, आप इसमें विजयी होंगे। और यदि कोई व्यापार से संबंधित लाभ करने जा रहे हैं, तो आपकी सबसे छोटी जो उंगली है क्या उस पर कोई सफ़ेद दाग है। तो ये मैंने आपको पहचान बताई है, यदि ऐसा आपके नाखून में है तो आप डील कीजिए, वरना मत कीजिए, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। तो ये मैंने आपको डील से संबंधित पहचान आपकी उंगलियों में ही बता दी है। दूसरी बात,
आपको आपने कहा है नए घर में साया नजर आता है, बिल्कुल निश्चित रूप से इसके लिए मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा आखिर में जाकर के दूषित हुई, नीचे को जाकर के दूसरे चिन्हों से मिली, और ये एक जो बड़ा ट्रायंगल आपको लगता है ये भी केतु स्थान से इन्वॉल्व हो गया। यहाँ केतु स्थान से नीचे से लेकर के ऊपर तक दूषित होती हुई आपकी ये रेखा है, केतु स्थल से इन्वॉल्वमेंट हो चुका है आपकी मस्तिष्क रेखा का। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, साथ ही साथ इधर से भी चंद्रमा फिर से भी पीड़ित आपके केतु स्थान को रेखाएं, यानी कि चंद्र पीड़ित बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो ये आपको वरदान में मिला है, आप जो कहते हैं कि घर में साए नजर आते हैं, ये आपके मस्तिष्क के अंदर भी है, और ऐसे व्यक्ति के साथ में सचमुच में भी ऐसा हो सकता है कि मकान के अंदर साए हों। तो ये सारे के सारे चिन्ह जिन्होंने केतु स्थान से संबंध बनाया चंद्र पर्वत की रेखाओं ने, और साथ ही साथ चंद्रमा इतना ज़्यादा पीड़ित होने के बाद आदमी को मानसिक रोग हो जाता है, तो साथ ही आदमी बहुत ज़्यादा आध्यात्म करता है। ऐसा व्यक्ति घंटों घंटों पूजा कर सकता है, घंटों घंटों अध्यात्म करता है। तो ये चीज़ें सब की सब आपके हाथ में हैं। अब आपने कहा नए घर में साया नजर आता है, बिल्कुल 100% आपके इस घर के अंदर ऐसी पोजीशन हो सकती है कि कोई साया जैसा कुछ आपको नजर आता हो, लेकिन ये इस मकान में जाएं या दूसरे मकान में जाएं या किसी भी मकान को बदल दें, सबके अंदर यही स्थिति आपके सामने आएगी। इसलिए आपको इसको मैं बहुत ही बढ़िया उपाय बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपके घर के अंदर से अगर ये चीज़ रह जाए तो आप हमारा कान पकड़ लीजिएगा। तो ये देखिए, दूसरा आपने कहा घर के पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, बिल्कुल बुरी हवाएं हैं दुकान घर के अंदर, ये आपके साथ जुड़ी हुई हवाएं हैं, तो इनको घर के अंदर नहीं, ये आपके साथ जुड़ी है, आपके साथ साथ चलती है। चलिए मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आप इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आइए इसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहला उपाय, आप हनुमान जी के मंदिर में, जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं उनमें मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और उनको जनेऊ धारण किया जाता है। हनुमान जी को जनेऊ धारण किया जाता है। आप वो जनेऊ कई मंदिरों में जाकर के घूम के लाइए, और जो आपके मकान का मुख्य दरवाजा है उसमें बाहर वो जनेऊ, ये अगर आपका दरवाजा बड़ा है तो आप उस मकान के दरवाजे में दो कील लगा करके उस जनेऊ को बांध दीजिए। अगर बड़ा है तो दो जनेऊ को बांध दीजिए, गांठ बांध लीजिए एक दूसरे में, और बड़ा है तो तीन जनेऊ। तो ये आपको अपने मुख्य दरवाजे पर, जो बजरंग बली का उतरा हुआ जनेऊ वो बुधवार को उतर जाते हैं मंदिर में, 11 रुपये देकर के पंडित से आप ला सकते हैं। तो ये आप जनेऊ लाइए, समझे, और साथ ही साथ आपके मकान की जो जितनी विंडो हैं उन विंडो पर भी आप उस जनेऊ को बांधिए। विंडो में जनेऊ आप बाहर से नहीं, अंदर से भी बांध सकते हैं, बाहर से बांध सकते हैं तो भी ठीक है, अंदर से बांध दीजिए। तो आपको सारी विंडो के अंदर ये जनेऊ बांधना है। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और जो उनके ऊपर चोला चढ़ाया जाता है यानी पीले रंग का सिंदूर जो चढ़ाया जाता है उसको आप जाकर के ले आइए पंडित जी से, कि जरा थोड़े से कागज में दे दीजिए, और उस कलर को उन जनेऊ पर प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाते रहिए। ये तो आप तो एक ये उपाय करना है। साथ ही साथ अपने मकान के अंदर आप राम श्री राम रक्षा स्रोत, श्री राम रक्षा स्रोत प्रतिदिन पढ़िए, और जो पूजा करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन श्री राम रक्षा स्रोत आपको पढ़ना है, और बाद में आपको हनुमान अष्टक पढ़ना है। आपको हनुमान जी की आरती करें बहुत अच्छी बात है, आप हनुमान जी की कोई भी इष्ट कुछ भी पूजा करें वो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है लगातार रोजाना श्री राम रक्षा स्रोत पढ़ना है, और उसके बाद आपको हनुमान अष्टक पढ़ना है, इतना वर्क कीजिए, और इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। और भी यदि और भी हनुमान जी की पूजा बढ़ाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने एक चौकी स्थापित कीजिए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए, और उसके ऊपर सामने बजरंग बली के सामने 4 बेसन के लड्डू रखिए, और उसके बाद में
उनके सामने बैठ करके एक दीपक जलाइए, चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और उसके बाद आप सुंदरकांड बैठ कर, ये शनिवार की रात को करना है, केवल शनिवार की रात को, बस 21 शनिवार आप ये कर लीजिए। तो इतनी पूजा आप अपने माध्यम में जोड़ लीजिए। अगर आपको के घर में कोई भी पौधा अगर सूख जाए तो आप मुझे जाकर पकड़ लीजिए, कोई पौधा नहीं सूखेगा, मानसिक भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। तो ये मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ, आप इस पूजा पाठ को अपने अंदर जोड़ करके रखिए, जारी रखिए, बस आपका कल्याण हो जाएगा, ये मेरा निश्चित रूप से विश्वास है और मेरे अनुभव की एक बहुत बड़ा बाण है। तो ये आप करते रहिए। तो आपने कहा 2017, 18 और 19 में मुझे बहुत नुकसान हुआ है, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको 2017, 18, 19 में, तो यहाँ पर आपने आयु नहीं भेजी अपनी, हमने कहा आपको आयु लिख करके भेजिए। तो मुझको लगता है कि जो भी आपको नुकसान हुआ होगा उस नुकसान की पूर्ति अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको आगे अब इन पूजा पाठ के बाद शुरू हो जाएगी। ये मैंने आपको एक ऐसा कवच बता दिया है जो आपको जीवन में तरक्की भी देगा, आपकी बाधाओं को भी दूर करेगा, आपको सभी तरह के सुख प्रदान करेगा। आइए बात कर लेते हैं आगे। अब देख लीजिए आपके शुक्र पर्वत पर, जब हम चलते हैं शुक्र पर्वत पर, ये शुक्र पर्वत पर आती हुई रेखाएं इस बात को बताती हैं कि आपके पास में सुख साधन, जिस स्थिति कुछ भी हो, बने रहेंगे और बहुत लग्जीरियस जीवन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कमी भी किसी प्रकार की यहाँ पर नज़र नहीं आती है। और चंद्र पर्वत से मैंने रेखाओं को बताई दिया, भ्रमित रेखाओं को बताई दिया, मानसिक रेखाओं को बताई दिया, और दूर स्थान से जुड़ करके आप धन प्राप्त करेंगे, ये भी आपकी रेखाओं के अंदर है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए मुझे आपने आयु नहीं लिखी, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जीवन में आपको 35वें वर्ष में परिवर्तन, 33 में 35 में परिवर्तन, 33 से और 35 से लेकर के लगभग लगभग 42 तक जिस स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उसके बाद यदि मैं देखूँ तो यहाँ लगभग 44 वर्ष से लेकर के आपको ज़्यादा जो है अनुकूल स्थिति फिर भी धन के रूप में रहेगी, 44 से लेकर के 54-55 तक, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति नहीं है। और इसका कारण है सिर्फ आपके घर के अंदर जो एक भ्रांति, जो आपके दिमाग से डिसीजंस पावर सब कुछ जो एक साए ने छीन रखा है, या समझ लीजिए आपके आपके भोगकाल ने छीन रखा है, बस इसको ठीक करने का उपाय मैंने आपको बता ही दिया। आइए आपके आयु रेखा को देख लेते हैं, यहाँ आयु रेखा को देखते हैं तो देखिए यहाँ लगभग लगभग बहुत ज़्यादा स्थिति जो आपके साथ चल रही है यहाँ पर लगभग ये 30 वर्ष से लेकर के, और ऐसी स्थिति यहाँ पर 45-48 वर्ष तक चल रही है। इसमें आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार रहने वाले हैं या परेशान रहने वाले हैं, इसके बाद में अनुकूल स्थिति आपके पास है, तो जो मैंने उपाय वो कर लीजिए। अगर आज भी ये स्थिति चल रही है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के साथ मैंने आपके हस्तरेखा के बारे में सब कुछ आपको बता दिया होगा, आप जो है बस इनको सब कीजिए और बिल्कुल आपको सभी चीज़ों से मुक्ति मिले, यही मेरी इच्छा है। नमस्कार।